हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। समर्पण भाव से ही संगठन को मजबूत बनाया जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। राष्ट्रप्रथम के भाव से कार्यकर्ता कार्य करें, डॉक्टर सतीश पूनिया। राजसमंद। किसी भी संगठन में समर्पण व सहयोग की भावना होती है तभी वह संगठन आगे बढ़ सकता है, और भाजपा ऐसा संगठन है जिसमें कार्यकर्ताओं के द्वारा समर्पण, सहयोग, निष्ठा आदि भावनाओं का समावेश कार्यकर्ताओं द्वारा कूट कूट कर भरा हुआ है। इसी के चलते आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर के खड़ी हुई है। समर्पण चाहे आर्थिक हो या समय का समर्पण हो या और भी किसी तरह का समर्पण हो सकता है। हम सभी भी भली भांति जानते हैं कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए आर्थिक व समय की आवश्यकता होती है, जिसमें आप सभी का भी सहयोग अपेक्षित है। और राजसमंद की जनता व कार्यकर्ता हमेशा से इन कार्यों में अग्रणी रहा है, इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजसमंद भाजपा संगठन इन सभी कार्यों में कभी पीछे नहीं रह सकता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र हमारा केंद्र बिंदु है, उसी को ध्यान में रखकर हमारा कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से कार्य करता है। देश हमको सब कुछ देता है, हमें भी इसको कुछ देना सीखे। इन विचारों के साथ भाजपा के कार्यकर्ता सामाजिक जीवन में काम करे तो निश्चित रूप से हम जिस वैचारिक आंदोलन को लेकर चल रहे हैं उसकी सफलता सुनिश्चित होगी। भाजपा जिला मीडिया प्रवक्ता अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित आजीवन सहयोग निधि अभियान कार्यक्रम का आगाज करते समय कार्यकर्ताओं से कही। इससे पूर्व माँ भारती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर प्रदेश कोषाध्यक्ष रामकुमार भूतड़ा ने कहा कि मेवाड़ के क्षेत्र का नाम सहयोग करने में हमेशा आगे रहा है, और मुझे आशा है कि भाजपा संगठन में भी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो भी अभी तक सहयोग मिल रहा है उसी के अनुरूप आगे भी मिलता रहेगा। राजसमंद सांसद व प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी ने कहा कि समर्पण निधि जैसे कार्यक्रम के माध्यम से हम आम जनता से संपर्क बना सकते हैं। किसी भी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हम सभी को मिलकर इस अभियान को सफल बनाना है। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि राजसमंद की जनता प्रत्येक कार्य में हमेशा आगे रही है, और इसी सहयोग से निधि अभियान में भी हम सभी मिलकर यह विश्वास दिलाते हैं कि इस बार भी निराश नहीं करेंगे, हमारा यही प्रयास रहेगा। इस कार्यक्रम को सहयोग निधि अभियान के संभाग प्रभारी प्रमोद सामर, जिला कोषाध्यक्ष मान सिंह भारत ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में आभार भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित ने किया और कहा कि राजसमंद जिले की तरफ से यह विश्वास दिलाता हूं कि हम सभी मिलकर जिले से इस अभियान में सम्मानजनक सहयोग करेंगे। इस अभियान को जिले भर में संगठन प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित के नेतृत्व में महेंद्र कोठारी, अशोक रांका व माधवलाल चौधरी के द्वारा पूर्ण किया जाएगा। संचालन महामंत्री सुनील जोशी ने किया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, चुंडीलाल गरासिया, संभाग प्रभारी हेमराज मीणा, के गुप्ता, जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट, पंशीलाल खटीक, दिग्विजय सिंह भाटी, प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, महेश प्रताप सिंह चौहान, गणेश पालीवाल, जिला प्रमुख सोहनी देवी गुज्जर, महेश पालीवाल, सुरेश पालीवाल, मांगीलाल कुमावत, सभी जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। झलकियां: विकलांग को दी गई ट्राई मोटरसाइकिल। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, सांसद दिया कुमारी व विधायक दीप्ति माहेश्वरी द्वारा विकलांग को ट्राई मोटरसाइकिल भेंट की गई। युवा मोर्चा ने किया स्वागत। जिला मंत्री महेंद्र सिंह चौहान व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मोहन कुमावत के नेतृत्व में बजरंग चौराहे पर स्वागत किया व मेवाड़ी पगड़ी पहनाई। इसके बाद मुखर्जी चौक तक चौपहिया वाहन रैली के रूप में लेकर आए। भाजपा नगर मंडल ने किया स्वागत। नगर अध्यक्ष सुभाष पालीवाल के नेतृत्व में भाजपा नगर मंडल ने मुखर्जी चौक पर जोरदार स्वागत किया गया। ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष जवाहरलाल झाट के नेतृत्व में गौ माता सर्कल पर कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया गया। जागरूक टीवी के राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारुत की रिपोर्ट।